कितने हैं? गिनो, 1 2 गिनो, 4 5 फाइव है, फाइव बना दो। वेरी गुड। रफ योर हेड, ट्विंकल ट्विंकल बटरफ्लाई, टच योर नोज, आईज, लिप, हेयर। नमस्ते, आज हम एक बच्चे के बारे में आपको बताएंगे जो कि लगभग 3.5 साल का है और लखनऊ का रहने वाला है, जिसे ऑटिज्म की समस्या थी। बच्चे में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, बच्चा एक जगह पे बैठता नहीं था, बच्चे में स्पीच बिल्कुल नहीं थी, गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना बहुत ज़्यादा था। बच्चा अपने नाम पे रिस्पोंड बिल्कुल नहीं करता था, अगर उसको बुलाते थे तो नाम पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं था, इतनी हाइपर एक्टिविटी थी। पेरेंट्स ने बहुत जगह दिखाया बट बच्चे को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमारे यहाँ बच्चे का लगभग 6 से 8 महीने तक उसका इलाज चला, जिसमें उसको ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरेपी दिया गया। आज बच्चे में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है और बच्चे के पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाई हैं। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि बच्चे में इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। बाकी आगे का हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पेरेंट्स के माध्यम से सुन सकते हैं कि उनके बच्चे में पहले से क्या चेंजेज आया है, बच्चा उनका पहले से क्या क्या कर रहा है। जी, मेरा नाम आरती सिन्हा है, मैं लखनऊ के रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे को जब जन्म हुआ तो एकदम सही था, अच्छा चल रहा था। 6 महीने में इसका बर्डिंग भी आया, अच्छा खासा चल रहा था। फिर थोड़ा थोड़ा इसको मतलब बोलना जो बोलता था इसने बंद कर दिया। अच्छा, थोड़ा बहुत मोबाइल भी देखता था, लेकिन मुझे लगा मोबाइल से अच्छी चीज़ें ही सीख रहा है, लेकिन इसकी स्पीच एकदम चली गई कि मम्मी डैडी भी नहीं बोलता था। बस ये एकदम कंसंट्रेशन नहीं था, दौड़ता भागता रहता था, यहाँ दौड़ना चाहे मंदिर ले जाओ चाहे पार्क ले जाओ, बस इसको दौड़ना होता था। मतलब इसके अंदर ये था कि मुझे कुछ ना कुछ करना, शांत नहीं बैठना। तो मैंने फिर अपने एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया इसको ऑटिज्म है। तो फिर मैं बहुत परेशान रहने लगी कि कैसे क्या करूँ, कैसे ना करूँ, एकदम दिमाग खराब, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन फिर मेरे माइंड में आया, जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या करना है इसका डिसाइड। तो फिर मैंने मोबाइल पे सर्च किया, तो मुझे डॉक्टर शिवम गोरखपुर उम्मीद रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में पता चला। उनके मैंने जो वीडियोस थे, सक्सेस स्टोरीज थी, उनको देखा, तो मुझे लगा कि मेरा बच्चा भी ठीक हो सकता है। तो पहले मैंने सर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि उनको माइल्ड ऑटिज्म है। तो फिर मैम से मैंने 1-2 महीने का प्लान लिया, इससे मैंने मुँह में काफ़ी चेंजेस, उसकी जिद कम हो गई, उसको एक पेशेंस आने लगे। फिर मैंने लगा जब ऑनलाइन लेने से इतना असर पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं जाके एक बार सर से मिले। जब मैं यहाँ आई तो सर ने बताया कि इसको ओटी, स्पीच और बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत है। हल्का स्पीच आ गया था हल्के बर्डिंग ऑनलाइन लेने से, लेकिन फिर यहाँ आई तो मैंने यहाँ स्टार्ट किया, तो यहाँ मैंने वो में बहुत से बदलाव देखे, उसमें पेशेंस आ गए, वो एक अच्छी खासी स्पीच कर रहा था। अभी उतनी अच्छी स्पीच नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी थी, मतलब कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के साथ बोला था, वो मैं अब करवाती हूँ। जैसे कि पहले इसको बिल्कुल स्पीच नहीं था, फिर यहाँ के स्पीच थेरेपिस्ट ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे, फिर धीरे धीरे इसने बोलना स्टार्ट किया। जैसे जैसे उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, जैसे पहले से डैडी बुलाया गया तो इसको ऐसे लगा डैडी, मतलब इसको बोलने में बहुत लगा कि डैडी कैसे बोले। लेकिन जैसे जैसे ही स्पीच थेरेपिस्ट ने इसे बुलवाना स्टार्ट किया, धीरे 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 इसका स्पीच आ। रब योर हैंड, ट्विंकल ट्विंकल बटरफ्लाई, टच योर नोज, आईज, लिप, हेयर, स्टोमक, स्टोमक, नीज, टोस, जंपिंग, स्टेप योर फीट, टर्न अराउंड। कितने हैं? गिनो, 1 2 गिनो, 3 4 5 5 है, फाइव बना दो। वेरी गुड। और ये एलिफेंट कितना है? 1। और गिटार? 4। इससे पहले मैं कुछ कहती थी तो ये सुनता नहीं था, तो जब मैं इसकी कोई फेवरेट चीज बोलती थोड़ा बहुत सुनता था, लेकिन मतलब इग्नोर करता था, और दूसरों की आवाज़ पर ऐसे लगता था इसको सुना ही नहीं दे रहे। लेकिन अब ये सुनता है, लोगों के बीच रहता है,
लोगों की बातें समझने की कोशिश करता है, जिससे इसको साउंड से बहुत प्रॉब्लम थी। साउंड देखता था तो एकदम चीख के रोने लगता था, लेकिन आज ये साउंड सुनता है। हेयर कट का इशू भी इसका कम हुआ है, इसको हेयर कट का इशू था और इसको इतना था एक चीज जैसे दिन भर ड्रॉइंग ही करता रहता है, लेकिन अब नहीं करता। अब जो एक टारगेट दिया जाता है तो उसको ओम पूरा करता है। और यहाँ पे मतलब जैसे ओम पहले बैठता है, अब सिटिंग मतलब आई है उतनी, लेकिन अब आराम से बैठता है। नॉर्मल स्कूल में जैसे बच्चों को पकड़ के लोचता था, किसी की भी चीज़ ले लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करता। उसको पता है वो छोटा बच्चा है, उसकी केयर किससे करनी, कैसे करनी है, बच्चों के बीच रहना कैसे रहना। एक नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। इन लोगों ने पहले ओम को देखा था, और जो आज ओम को देखते हैं वो कहते हैं कि मैम इसमें बहुत बड़ा चेंजेस है। वो कहते हैं ये वही ओम है जो पुराना ओम एकदम दौड़ता भागता, लोगों को समझना नहीं। आज का ओम नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल कमी, जो देखते हैं लोग वो यही कहते हैं कि मैम ऐसा आपने क्या कहता। उनको हमने बताया कि हमने डॉक्टर सेवम से मिले, उनसे थेरेपी ली। यहाँ पे ADHD, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी जैसे जो बच्चे नहीं चल पा रहे हैं या जिनको मानसिक कोई प्रॉब्लम है, जो सीपी के बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज दी जाती है, उनको बच्चे एकदम नॉर्मल होकर यहाँ से जाते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिसके बच्चों को भी सेरेब्रल पाल्सी, ADHD, ऑटिज्म या किसी प्रकार की मानसिक बीमारी या स्पीच डिले या लर्निंग डिले कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप बच्चों को यहाँ लेके आए और दिखाएं, आपका बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाएगा। और सच में गार्जियन से एक चीज़ बिल्कुल कहना चाहूँगी, एक माँ जो अपने बच्चे के लिए कर सकती है, आपको भी उतनी ही मेहनत करनी और घबराना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। वो ठीक हो सकती है, बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी मेहनत और सर का गाइडेंस। तो यहाँ के थेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे पूरा कोऑपरेट किया, अच्छे से ओम का ध्यान रखा। एक मतलब जैसे होते हैं गार्जियन ध्यान रखते हैं उस तरह से रखा। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ जिनके बच्चों को भी प्रॉब्लम्स है वो प्लीज़ यहाँ आए, सर को दिखाएं। सर और यहाँ पर टीम बहुत कोऑपरेटिव है, हर चीज़ की यहाँ रहने की व्यवस्था सब कुछ अच्छा है।